Ashok, Siddharth. Dhanyavad, Maniyup Sabhapati Mahoday. Anwar, main apni party ki rashtriya adhyaksh adaniya behan ji ko hriday se aabhar vyakt karta hu ki unhone mujhe is mahatvapurna bill par bolne ke liye adhikrit kiya hai. Manvar, भारत में प्राचीन समय से ही विवादों के निपटारों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की परंपरा रही है. ग्राम पंचायतों से लेकर के खाप पंचायतों तक में जो निपटारे किए जाते थे उनकी प्रकृति मध्यस्थता की प्रकृति ही थी. लेकिन उपसभापति महोदय, भारत में संस्थागत मध्यस्थता की स्थिति बेहतर नहीं है. कई मध्यस्थ संस्थानों के अस्तित्व के बावजूद भारत में संस्थागत मध्यस्थता एक नवजात राज्य बनी हुई है. भारत में इसका कारण है भारत में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, कानूनी अनिश्चितता, अंतहीन देरी, अस्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया आदि प्रथम दृष्टया देखने वाली समस्याओं के कारण भारत मध्यस्थता के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में असफल रहा है. वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जैसे मध्यस्थ संस्थानों ने अपने आधुनिक नियमों, कार्य की संगठित संरचना, उत्कृष्ट प्रशासनिक सहायता और बुनियादी ढांचे के माध्यम से पार्टियों के बीच में विश्वास प्राप्त करने का काम किया है. इसके अलावा पार्टियां अपने फायदों से अच्छी तरह जानती हैं, जैसे मध्यस्थों के अपने पैनलों पर निपुणता, निर्धारित फीस संरचनाएं और मध्यस्थता की कार्रवाई के आयोजन और समय पर आचरण लगभग सभी संस्थानों को विभिन्न स्तरों पर सरकारी सहायता से लाभ मिलता है और स्वस्थ प्रतियोगिताओं के माध्यम से धीरे धीरे विकसित किया जाता है. मानवर, न्यायालयों अपनी सफलता के देखते हुए भारत में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने का ये उचित समय है. सभी विकसित देश निजी विवाद संसाधन तंत्र अपना रहे हैं और 95% नागरिक एवं वाणिज्यिक विवादों के विश्व स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाता है. भारत ने भी देश में वाणिज्यिक नागरिक विवादों के निपटारे के लिए एक पसंदीदा तरीका मध्यस्थता को अपनाने पर जोर देने का काम किया है. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के मध्यस्थता के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बनाने का यह अच्छा प्रयास इस बिल के माध्यम से किया गया है. मानवर, प्राथमिकता के आधार पर अगर हम देखें तो संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाए तो यह न सिर्फ निवेशकों के आराम को स्तर को बढ़ाएगा बल्कि अदालतों का बोझ भी कम करेगा. इसलिए विश्व स्तर पर भारत में एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने की इस पहल का स्वागत होना चाहिए. इसमें संदेह नहीं है कि त्वरित न्याय के लिए आर्बिट्रेशन एक कारगर तरीका सिद्ध होगा. मानवर, मैं माननीय मंत्री जी से इस बिल में जो नियुक्तियों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, जो रचना है इस विधेयक की के तहत जो एनडीआईएसी में 7 सदस्य शामिल होंगे उनमें एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकता है या मध्यस्थता के आचरण या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है. संस्थागत मध्यस्थ में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति. मानवर, जो तीसरा है 3 पदेन सदस्य होंगे, जो 3 पदेन सदस्य वित्त मंत्रालय से नामित होंगे. मानवर, इसमें एक संदेह प्रकट होता है कि जब चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा नामित होंगे और जब गवर्नमेंट के द्वारा नामित होंगे तो गवर्नमेंट के विरोध में के साथ जो विवाद होगा उसमें इनकी पारदर्शिता पे डाउट होगा. मानवर, इसलिए आर्बिट्रेटर के चयन और नियुक्ति के रूप में अधिक से अधिक पारदर्शिता पर ध्यान दिया जाए. दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से अपने उत्तर
के समय ये स्पष्ट कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी कि वर्तमान में मध्यस्थता से संबंधित कितने मामले भारत में लंबित हैं। दूसरा, क्या मध्यस्थता केंद्र को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाना चाहिए, लाया जाएगा? तीसरा, मानवर यद्यपि प्रस्तावक विधेयक ने सैद्धांतिक पहलुओं को बनाया है, फिर भी जो श्री कृष्णा रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई इस बिल में, उस रिपोर्ट को पूर्ण तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया है? मानवर, चूंकि इस विधेयक ने भारत की साख को बढ़ाने के लिए, खासतौर से मध्यस्थों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिलाने में एक अहम सिद्ध होगा यह बिल, इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।